प्यारे बच्चों, सुप्रभात। मेरी कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, मैंने पिछली कक्षा में आपको ओ और औ की मात्रा की वर्कशीट व रिवीजन वर्कशीट कराई थी। आज मैं आपको एक बार और ओ और औ की मात्रा का अभ्यास कार्य कराऊंगी। नंबर एक, पढ़कर लिखिए। बच्चों, यहाँ कुछ शब्द ओ की मात्रा के हैं और कुछ शब्द औ की मात्रा के हैं। इन्हें आपको अपनी नोटबुक में उतार कर सुंदर सुंदर लिखना है और बोलकर भी इनका अभ्यास करना है। नंबर दो, निम्नलिखित शब्दों पर ओ की मात्रा लगाइए। यहाँ मैंने कुछ शब्द दिए हैं, इन पर आपको ओ की मात्रा लगाकर शब्द को पूरा करना है। नंबर तीन, निम्नलिखित शब्दों पर औ की मात्रा लगाएं। यहाँ मैंने कुछ शब्द दिए हैं, इन पर आपको औ की मात्रा लगाकर शब्दों को पूरा करना है। नंबर चार, इनमें से कौन सा शब्द औ की मात्रा का नहीं है? ये तीन शब्द हैं, इनमें से आपको जो शब्द औ की मात्रा का नहीं है उस पर गोला लगाना है। नंबर पाँच, जिन शब्दों में औ की मात्रा आई है उन्हें रेखांकित करें। यहाँ कुछ शब्द दिए हैं मैंने, जिन शब्दों में औ की मात्रा आई है उनके नीचे रेखा खींचनी है आपको। नंबर छः, जिन शब्दों में ओ की मात्रा आई है अब आप उन्हें रेखांकित करेंगे। पहले आपने औ की मात्रा के शब्दों को रेखांकित किया था, अब आप ओ की मात्रा के शब्दों को रेखांकित करेंगे। नंबर सात, सही शब्द चुनकर वाक्य पूरा कीजिए। यहाँ बच्चों दो शब्द दिए हैं, इनमें से जो शब्द सही है पाठ के आधार पर उसको यहाँ लिखकर आप वाक्य को पूरा करेंगे। बच्चों, इस कार्य का आपको बार बार अभ्यास करना है, मात्राओं को ध्यान से पढ़ना है और यह सभी कार्य आपको अपनी नोटबुक में करना है। फिर भी यदि आपको कोई परेशानी लगे तो आप मुझे अवश्य बताएं। धन्यवाद।